नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एडुटेरिया करंट अफेयर वार्ष की सीरीज के हम लोग 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करंट अफेयर का 6 नंबर सेट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, एमिन्युअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को। इस साल का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का नोबल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए इमैनुअल चार्पियर को और जेनिफर ए डोडना को केमिस्ट्री का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला नोबल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है, उस ब्रांड का क्या नाम है? तो दूसरे का सही जवाब है डी, कस्तूरी कपास नाम दिया गया है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी के पर्पज से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाना है? तो तीसरे का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, गुजरात में। गुजरात में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक में अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, रूस ने किया है। रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल ने ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा स्पीड से 450 किमी की दूरी तय की और अपने नकली लक्ष्य को तबाह किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा। अक्टूबर 2020 में स्क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक जो है टोक्यो में आयोजित की गई। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां। भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ किस नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया है? 7 नंबर का सही जवाब है सागर कवच के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठ। शेख सबा अहमद अल सबा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश की सुल्तान थे? 8वें का सही जवाब है सी, शेख सबा अहमद अल सबा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वे जो है कुवैत के सुल्तान थे। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर नौवां। किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान की शुरुआत की है? तो पथश्री अभियान की शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल में की गई है। ए ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा पथश्री अभियान नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है। यह एक सड़क मरम्मत की योजना है, जहां राज्य भर की 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों के 7,000 खंड से अधिक हिस्सों की मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर दसवां। हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए आईबीई नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है? एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है, तो उस बैंक का नाम बताना है। तो 10वें का सही जवाब है इंडियन बैंक ने जो है एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है, उसे ग्रीन इनिशिएटिव का नाम है आईबीई नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? पहले 28 होते थे, अब जो है एक जो है निकल गया है, तो अब बचे हैं 27। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया है? तो 12 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इसरो द्वारा युवा विज्ञानी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में किया गया है। बी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने दिशा बिल, एक दिशा बिल नामक
एक जो है बिल लेकर आई है सरकार। आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ संशोधन एक्ट 2019 पास कर दिया गया है। इसके साथ ही रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान देने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य भी बन गया है। गौरतलब है कि हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप हत्या और फिर शव जला देने की दिल दहला वाली घटना के बाद राज्य सरकार ऐसा बिल लेकर आई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सबसे अग्रणी राज्य जो है महाराष्ट्र है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? 15 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केजंग डी होंगडॉक ने जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ऑफेक्स-16 को लॉन्च किया है? तो इस उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। इस उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? तो 17 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जर्मनी पहला देश बन गया है जो कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये पक्षी उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? सी ऑप्शन सही है, बिहार में। 18 का सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? 19 नंबर का सही जवाब है बी ऑप्शन, गुजरात जो है जल दक्षता सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? 20 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़ ने। राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? 21 नंबर का सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए तथा उससे बिजली के उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है? 22 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने तथा उससे बिजली उत्पादन करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पेश देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? तो 23 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन के 2020 का महिला खिताब किसने जीता है? 24 का, नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कॉरपोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो ये जो है इंदौर के महाकाल से वाराणसी तक शुरू की गई है तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? नहीं के लिए पूछा है कि वो किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं, तो 26 का सही जवाब क्या होगा? ये ऑप्शन, वह जो है कभी गृह मंत्री नहीं रहे हैं, बाकी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, नोट्स ऑफ अ ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? नोट्स ऑफ अ ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? 27 का यहाँ पे सही आंसर होगा डी, कृष्णा तिलोक जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है?
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 कुमार मुनन सिंह को दिया गया है। कुमार मुनन सिंह को दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 29 का सही जवाब क्या है? सी। अभी सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं, यानी न्यायाधीश 33 हैं कुल। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? 30 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है एलिफेंट रिजर्व। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये जो है दिल्ली वाराणसी के मध्य चलती है। डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 51वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है? 32 नंबर। तो इस फिल्म का जो नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव का आयोजन किया गया है? राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? 33 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, नई दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई, यह किसका अध्ययन करेगा? नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा की गई है, यह किसका अध्ययन करेगा? 34 का सही जवाब है, यह जो है सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा ये पंच मिशन जो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किसे डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील शेट्टी को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में ग्रीन पीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में होता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है अधीर रंजन चौधरी है, जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? तो 38 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला जो है GS लक्ष्मी बनी है, जो मैच रेफरी पैनल के रूप में शामिल हुई है ICC में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका थीम था वुमेन इन साइंस, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 41। भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? तो किस मेट्रो ने सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाई है ये बताना है आपको। 41 का सही जवाब है ए ऑप्शन, दिल्ली मेट्रो ने पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो को चलाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति संगीता श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है? तो इस योजना की शुरुआत जो है वस्त्रल में हुई थी, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 44।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से 450 मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया गया है। तो किस संस्था द्वारा ये समझौता हुआ 450 मिलियन डॉलर का? तो ये जो है विश्व बैंक के साथ हुआ है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? तो मनोज कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। लेट मी से इट्स नाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश मारिया इस पुस्तक के लेखक हैं, लेट मी से इट नाउ। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है? 47 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, दक्षिण मध्य रेलवे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा बना है? एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है? तो 49 का सही जवाब है बी, 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, किस उद्देश्य से? देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन। यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो 50 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, लाहौर पाकिस्तान का शहर जिसे यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना सम्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।